नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीसरी थाना के पालमो भुराई में माइका खदान में चाल धसने से एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद तीसरी थाना प्रभारी, सीओ व फॉरेस्ट के अधिकारियों ने घटना स्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार की सुबह भुराई निवासी यादव की 14 वर्षीय पुत्री कविता कुमारी माइका चुनने खदान में गई थी, जहां अचानक मिट्टी दब गया। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण व मुखिया प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी को किसी तरह बाहर निकाले और इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताते चले कि गिरिडीह पहुंचने के दौरान किशोरी की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, सीओ असीम बाड़ा, फॉरेस्टर जयप्रकाश महतो, वनरक्षी पवन चौधरी सहित कई लोग घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल किए। मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने बताया कि किशोरी की मौत की सूचना मिलने के बाद वे लोग जांच के लिए पहुंचे हैं। आगे परिजनों के आवेदन अनुसार वह जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर कोई बच्ची का जो है वो दबने से चोटी ली हुई थी और तीसरी अस्पताल में गया था, उसके बाद उसको रेफर किया गया था। सूचना प्राप्त होने के बाद जो हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पर आए थे, अभी तो हम लोगों को पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो भी उसका आवेदन होगा उसका अधिकतर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत जो भी होगा। तो यहाँ पे बच्ची क्यों आई थी सर, कुछ आपको पता चल पाया? बच्ची क्यों आई होगी, देखिए ढिबरा का खादान है, ढिबरा क्यों नहीं आई होगी। बोला जा रहा है कि एक बच्ची कविता कुमारी जो 14-15 वर्ष की लगभग है जी, उसका यहाँ पर उसे मैंने मिट्टी गिरने या गड्ढे में कुछ गिरने से उनकी मौत हुई है। देखने में आ रहा है कि ये इतनी बड़ी गड्ढा है और ये जमीन फॉरेस्ट का है ना, तो हम सर्वे नहीं किए, तो ये जांच का विषय है। हाँ। उसमें देखा जाएगा कब से हो रहा है, क्या है। बच्चे को कुछ मुआवजा भी मिलेगा, उसके परिवार वालों को? यही प्रावधान होगा, सरकारी प्रावधान, तो उसके तहत नियमानुसार जो भी है उसको दिया जाएगा। हमको जैसे खबर मिला कि वहाँ कुछ खदान में जो सो घटना हुआ है, तुरंत यहाँ पर हम दौड़े चले आए, बाइक लेकर के तुरंत पहुँचे यहाँ पर। पता चला कि इनके नीचे दबा हुआ है, फिर मैंने 3-4 लोगों से बोला कि उधर से इसको निकालो, मिट्टी हटाने में बच्ची निकली, फिर तुरंत लेकर के हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से फिर उसको रेफर कर दिया गया गिरिडीह, जहाँ उसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया। अच्छा, आप ये बताइए कि आप खुद देखें कि बच्ची दबी हुई थी? हाँ, मैंने खुद यानी कि उसके सिर के ऊपर से लगभग 2 फीट मिट्टी था जो हम लोग ने हटवाया, बाकी तो कुछ बच्चे पहले हटा चुका था उसको। हाँ। मिट्टी को हम सामने से रख करके हटवाया। कितने बच्चे लोग आई होगी यहाँ पे? पता चला उसमें 3 वो थी, उस समय 3 थे। एक का देहांत हुआ है? एक का देहांत, दोनों बगल में थे, उन लोगों को मिट्टी का प्रभाव कोई नहीं पड़ा, एक ही बच्चे दबी थी। ढिबरा से घटा घटी नहीं है, ढिबरा के मेंस चलता है, ढिबरा नहीं है, यहाँ तो प्लेन है, प्लेन में धसा हुआ है। अच्छा, ये जमीन सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो सर्वे करने के बाद पता चलेगा। अच्छा, तो जंगल उंगल है यहाँ? जंगल तो है, देखने में तो बहुत दूर पर जंगल तो है, लेकिन यहाँ तो सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा कि ये फॉरेस्ट है या तो। अच्छा, ये बताइए, सीओ साहब बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, तो जब तक सर जब तक इसका नापी नहीं होगा तब तक इसको हम कैसे चैलेंज करें? तो अभी बिहार भी हम लोग कह सकते हैं बिहार है? अब बिहार तो था ही, लेकिन अभी नहीं है। तो बिहार अभी नहीं, तभी भी मान लेते बिहार की घटना घटने के सवाल ये है क्योंकि यहाँ पे 200 से अधिक फुट का गड्ढा हुआ है। ये बात है कि ये बहुत दिनों से मेंस चल रही है जी, लेकिन ये मेंस अभी नहीं है, लीगल या इलीगल चल रही थी, पब्लिक चुन रहे हैं जी। अगर कोई आदमी चोरी करते हुए रेड हैंडेड नहीं पकड़ा जाता, इसका मतलब ये नहीं कुछ चोर नहीं है। तो चोरी उसको कैसे समझेंगे जब हम उसको नहीं पकड़ पाए हैं? तो किसने किया आपको पता नहीं? नहीं, इसका जानकारी नहीं है। We'll be right back.